कोतवाली नरेनी के बिहरपुर व अंशगुड़ा कला में मिली सरकटी लाश। क्षेत्र में फैली सनसनी। पिछले चार दिनों से लापता था युवक छोटेलाल नामक युवक की सरकटी लाश मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतक छोटेलाल पांच भाइयों में चौथे नंबर का था। आपको बता दें कि नरेनी क्षेत्र में तकरीबन तीन माह के अंतर्गत ये सरकटी लाश का दूसरा मामला है। तकरीबन तीन माह पहले भी एक शख्स की सरकटी लाश बरामद की गई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने अभी तक नहीं किया और ये दूसरा मामला है। रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, चित्रकूट मंडल, एवीपी भारत न्यूज चैनल। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीलमणि है। क्या घटना हो गई? घटना हो गई कि मेरे भाई की मृत्यु किसी ने कर दिया जी। मृत्यु हो गई है मेरे भाई की। कैसे मृत्यु हो गई? अब ये हम नहीं बता सकते कैसे हो गई है। लाश कहाँ पे मिली है? लाश चौटरा के पास मिली है। चौटरा गाँव है। क्या नाम था आपके भाई का? छोटेलाल। छोटेलाल कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बिहरपुर के रहने वाले हैं। बुढ़ापा कोतवाली नरेनी है जी। लाश कहाँ पे मिली है? चौटरा के पास मिली है जी। तो किसी व्यक्ति के ऊपर आपको शक है? शंका है कि जो जहाँ पे वो साथ किए था, दोस्ती किए था, उनके ऊपर शंका है। क्या नाम है उनका? लखना। लखना कहाँ के रहने वाले हैं? चौटरा के। लखना। पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नाम मुझे मालूम है, उनके याद नहीं है। क्यों? बादे नाम। बादे बादे। जी आप लोग सभी लोग आए हुए हैं, क्या मामला है पूरा? ये एक अपहरण का मामला था जी, बिहरपुरवा का जी। एक युवा जिसका नाम छोटे लाल था, उसको चार तारीख को अपहरण कर लिया था लगभग 8:30 बजे के आसपास जी। उसी की आज कंकाल मिला है जी, वहीं झाड़ियों में उसी गांव के आसपास जी। तो इसी सिलसिले में हम लोग थाने आए हुए हैं जी, और उसकी जांच वांच चल रही है। आपका शुभ नाम? अमोल यादव, जिला अध्यक्ष लोहियावानी बांध। क्या कंफर्म है कि वही व्यक्ति है? उसके कपड़ों से, उसके परिवार वालों ने जांच की है तो उसके कपड़ों से पुष्टि की गई है कि वही है। आप यहाँ पे कोतवाली गए, क्या आपको आश्वासन मिला? आश्वासन थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा मिला कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई उचित।